कार्यालय। तो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं, सब चीज़ यानी कि सरकारी जो काम हो रहे हैं वो सब बंद है और अब हम चलते हैं घर की तरफ और हम आपको अब दिखाते हैं हम आपको परी चौक पे लेके जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे चल के। ये देखिए अभी रोड बंद है, सब लोग बाहर ही खड़े हैं और जो हमारा जो काम था वो भी नहीं हो पाया। पहुंचते हैं अपनी बाइक के पास। तो आप कभी कहीं जाएं तो पहले उस बंदे को कॉल कर लें कि भाई मैं आ जाऊं या नहीं आऊं। मेरी गलती यही हुई थी कि मैंने कॉल नहीं करी और मैं आ गया। यदि मैं कॉल कर लेता तो शायद मेरे को पता लग जाता कि आज सरकारी काम सब बंद हैं, कुछ काम नहीं हो पाएगा और मेरा यहाँ आना भी बहुत बेकार रहा। तो गाइस पहले हर चीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए। चलो अब हम चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। तो गाइस हमारी बाइक ये है और हम अपना हेलमेट लेते हैं और फिर चलते हैं परी चौक की तरफ, आपको हम परी चौक दिखाएंगे। तो गाइस मेरे को जिनसे मिलना था उनकी कॉल आ गई है तो वो कह रहे हैं कि हमसे मिलो। अब हम उनके पास चलते हैं जिनसे हमें मिलना था, उनसे मिल के फिर हम अपने घर के लिए निकलते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं अब LG गोल चक्कर पे। तो यहाँ का भी हम कुछ शॉट ले लेते हैं जो कि यहाँ के जो फेमस गोल चक्कर हैं, जिन गोल चक्करों से दूर दूर तक जाना जाते हैं। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं कि बोलते हैं कि गोल चक्कर पे जाना है। हर गोल चक्कर का अलग अलग नाम होता है तो इस गोल चक्कर का भी अलग नाम है। इस गोल चक्कर का नाम है LG गोल चक्कर। तो गाइस ये है LG गोल चक्कर जिस पे कि LG लिखा हुआ है और ये LG गोल चक्कर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे LG की कंपनी है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम आए हैं LG गोल चक्कर से और अब हम चल रहे हैं तो हम आपको अब जगत फार्म दिखाएंगे जो कि ग्रेटर नोएडा की बहुत अच्छी मार्केट मानी जाती है। तो हम आपको वो मार्केट दिखाएंगे। गाइस अंदर नहीं जाएंगे, हम आपको बाहर से दिखा देंगे। तो ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जगत फॉरम की मार्केट है, 3-4 पार्ट डिवाइड है इसमें ऐसी करके मार्केट के, तो कुछ इधर है तो कुछ उधर है। देखो कि अब हम परी चौक की तरफ जाते हैं।
फार्म गोल चक्कर से हम निकल गए हैं और अब हम चलते हैं परी चौक की तरफ। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को अकेला हूँ ना, मैं कैमरे को बार बार नीचे रखना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यदि दो बंदे होते तो अच्छा रहता, अभी मैं एक ही हूँ तो मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है हैंडल करना। मैं बहुत मुश्किल से हैंडल कर रहा हूँ, ये एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से मैं बाइक चला रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं करूँगा आपके लिए। मेरे को जो करना पड़े मैं वो करूँगा। तो अब हम आ गए हैं कॉमर्शियल बेल्ट। तो गाइस हमने कॉमर्शियल गोल चक्कर कर दिया है क्रॉस और हम अब आ गए हैं परी चौक। तो गाइस परी चौक बस हमसे कुछ ही दूरी पर है और परी चौक हम आपको दिखाएंगे, जो कि वहाँ पे परियों की मूर्ति है और उनमें से पानी निकलता है, रात को बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है वहाँ पे। मैं आपको अभी भी दिखा दूँगा वो नज़ारा, अभी भी बहुत ही सुंदर है, लग रहा है उसमें पानी अभी भी निकल रहा है। मैं बाइक को लगाऊँगा पार्किंग में, पार्किंग तो है नहीं यहाँ पे, साइड में लगाता हूँ। तो गाइज ये है परी चौक का नज़ारा, ये है परी जिनमें से पानी निकल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये। तो गाइस यहाँ पे चार परी हैं और इसको परी चौक के नाम से जाना जाता है, यहाँ की सजावट भी बहुत अच्छी है। तो गाइस ये रोड जाता है कासने की तरफ, ग्रेटर नोएडा, और इधर से ये जाता है, इधर को ये जाता है लखनऊ, दिल्ली, नोएडा, आगरा। तो गाइस ये रोड उधर जाता है। तो गाइस और इधर से जो सीधा रोड जाता है ये जाता है सूरजपुर, और सूरजपुर और जो कि जगत फॉरम। यहाँ से अब हम चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। अब तो गाइस यहाँ पे ना पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ की सजावट भी पेड़ों की देखो, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ लगाई हुई है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ यमुना एक्सप्रेस वे से। तो गाइस हमारी बाइक हमने वहाँ लगा दी थी पार्किंग पे और अब हम निकलते हैं यहाँ से। मतलब कि अब हम चलते हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे
और ये देखिए यमुना एक्सप्रेस वे का बैनर भी यहाँ लगा हुआ है। हम बहुत ही आराम से चलाएंगे बाइक को, बहुत सेफ्टी से। और ये देखिए ये मेट्रो का स्टेशन है जो जेपी ग्रीन परिचौक के नाम से ये मेट्रो स्टेशन है। तो गाइज चलो चलते हैं। गाइज ये वीडियो को मैं लंबा करना नहीं चाह रहा, इस वीडियो को मैं बस नॉर्मली रखना चाह रहा हूँ। गाइज यदि मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ के बारे में बताऊंगा तो गाइज ये वीडियो काफ़ी ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा करना नहीं चाह रहा। मैं एक एक चीज़ आपको छोटी छोटी वीडियो में बताता रहूँगा। अभी मैंने आपको परिचौक के बारे में बताया, ग्रेटर नोएडा के बारे में बताया। तो गाइज ग्रेटर नोएडा की माने तो ये बहुत बड़ा बड़े एरिया में है, और ये रोड जाता है नोएडा को भी जाता है, दिल्ली को भी जाता है। तो हमें तो अभी जाना है यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे, जो कि उसके लिए हमें टोल नहीं देना होगा क्योंकि हम यहीं के हैं, तो यहीं के लोगों को टोल माफ़ है। वैसे भी यहाँ अभी टोल की कोई वैसे नहीं है कि यहाँ पे टोल दिया जाता है, वो तो टोल जेवर में एक टोल है तो वहाँ दिया जाता है। तो देखें ये बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे होर्डिंग लगा हुआ है, एक होर्डिंग लगा हुआ है कि आगरा नोएडा जेपी स्पोर्ट सिटी। तो गाइज मैंने आपको जेपी स्पोर्ट सिटी में तो ब्लॉग बना दिया था, मैंने आपको दिखाई थी जेपी स्पोर्ट सिटी। गाइज जब भी आप ड्राइव करें सेफ्टी से करें, और अपना विशेष ध्यान रखें कि कोई आपसे गलती ना हो जाए हर जगह से देख के। तो गाइज ये देखें मैं अभी बैक शीशे में भी देख रहा हूँ, तो गाइज देखें मैं अभी बैक शीशे में भी देख रहा हूँ इधर से, और मैं इधर से भी बैक शीशे में देख रहा हूँ। तो गाइज हम पहुँच गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे पहुँचे नहीं हैं, बस हम उस पर चढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें गौ माता के जो बच्चे हैं, मतलब हमारे एक गाय का बछड़ा मिल गया है यहाँ पे, तो बीच रोड पे है। तो गाइस अब हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं। तो गाइस अब हम यमुना एक्सप्रेसवे पे हमने एंटर कर लिया है, और अब यहाँ से हम निकलते हैं जल्दी। तो गाइस यहाँ पे जो जब भी आप कभी किसी भी हाईवे पर चढ़ें तो बहुत ही आराम से देख के, चारों तरफ देख के तब ड्राइव करें, क्योंकि आप कभी फ़ोन का इस्तेमाल ना करें ड्राइविंग करते वक्त, अभी किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करें, कोई ऐसी गलती ना कर दें। तो गाइस आप तो निकल आते हैं घर से, लेकिन आपकी जो फैमिली होती है वो आपका वेट करती है कि हाँ हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारे पापा, हमारे जो भी हैं, तो गाइज वो वेट करते हैं कि हाँ अभी गए हैं निकल के और वो वापस आएंगे। बहुत ही संभल के ड्राइविंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो घर के होते हैं, हमारे यारे प्यार, हमारे जो भी फैमिली में लोग होते हैं, वो हमारा वेट करते हैं कि हाँ अभी वो बंदा यहाँ से निकल के गया है घर से और शाम को इतने बजे तक आ जाएगा वापस। तो गाइज जब वापस नहीं पहुँचते हैं वो लोग, और घर से कॉल करते हैं, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो गाइस कितना जो छोटे छोटे बच्चे आस लगा के बैठे होते हैं तो उनको कितना क्या महसूस होता होगा। तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है।
आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं गाइस। और हमारे ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों करें। धन्यवाद।